नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बीपीएससी से बहाल सीटीईटी की परीक्षा में 60 से कम अंक लाने वाले शिक्षकों की तलाश शुरू। परिवहन विभाग हुआ सख्त, परिवहन नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। राज्य में खेल मैदान के लिए 603 स्थान चिन्हित, 83 सिंचाई परियोजनाओं पर भी होगा काम। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी तैयार। पाकिस्तान के साथ बर्मिंघम में हुए मुकाबले में भारत की हुई बड़ी जीत। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। परिवहन विभाग हुआ सख्त, परिवहन नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। बिहार से दिल्ली जा रही बस का उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हादसेग्रस्त होने के बाद बिहार सरकार की परिवहन विभाग सख्त नजर आ रही है। बिहार परिवहन नियम के अंतर्गत 252 बसों पर 47 लाख की वसूली और 26 गाड़ियां जब्त की गई हैं। शनिवार को हुए परिवहन विभाग की समीक्षात्मक बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के दौरान परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के DTO, MVI और ESI को नियमों का उल्लंघन कर परिचालित होने वाली बसों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। राज्य में परिचालित हो रही बसों के फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन इत्यादि की जाँच के लिए सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन कर रही 252 बसों पर कार्रवाई भी की गई। बीपीएससी से बहाल सीटीईटी की परीक्षा में 60 से कम अंक लाने वाले शिक्षकों की तलाश शुरू। बीपीएससी से बहाल सीटीईटी परीक्षा में 60% से कम अंक लाने वाले शिक्षकों की तलाश शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश के बाद शुरू कर दी गई है। ये वैसे शिक्षक हैं जो या तो दूसरे राज्य के हैं या फिर ये महिला शिक्षक हैं। इन शिक्षकों का सीटीईटी परीक्षा में 60% से कम अंक है और ये बिहार में महिलाओं को मिलने वाली 5% की छूट का लाभ उठाकर नौकरी कर रहे हैं, जबकि नियमावली के अनुसार किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ सिर्फ राज्य के ही निवासी ले सकते हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार जिले में ऐसे करीब 300 से भी ज्यादा शिक्षक अलग अलग प्रखंडों में पदस्थ हैं। पूरे जिले से DPO से ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर शुक्रवार तक उनकी सूची मांगी गई है। सूची मिलने के बाद विभाग द्वारा ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। मिथिला वासियों को झारखंड के लिए नई ट्रेन की मिली सौगात। झारखंड के टाटानगर में मिथिला के कई लोग रहते हैं। औद्योगिक राजधानी टाटानगर में रहने वाले मिथिलावासियों की लंबे समय से मांग थी कि मिथिला से टाटानगर के लिए कोई सीधी रेल सेवा मिले। अब इस बहुप्रतीक्षित मांग को रेल मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, जिससे अब जयनगर टाटानगर के बीच साप्ताहिक ट्रेन का परिचालन होगा। इस साप्ताहिक ट्रेन के समय सारिणी की बात करें तो जयनगर से शनिवार की रात 7:30 पर ट्रेन प्रस्थान करेगी। वहीं दूसरे दिन रविवार की सुबह 11:30 पर टाटानगर पहुंचेगी। वहीं टाटानगर जयनगर एक्सप्रेस हर शुक्रवार को 6:50 पर ट्रेन प्रस्थान करेगी। वहीं दूसरे दिन सुबह 11:25 पर जयनगर पहुंचेगी। जयनगर से टाटानगर के बीच ट्रेन का ठहराव जयनगर, मधुबनी, सकरी, दरभंगा, समस्तीपुर, बड़ौनी, क्यूल, जसीडीह, धनबाद, राजबेड़ा, बोकारो, कोटशिला, मुड़ी, चांडिल और टाटानगर में रुकेगी। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी तैयार। बिहार के शिक्षकों के लिए बिहार सरकार ने तबादला नीति तैयार कर ली है। महिला और दिव्यांग शिक्षकों को सरकार द्वारा ऐच्छिक तबादला नीति तैयार किया गया है। इसके साथ ही शिक्षक दंपतियों के लिए भी अच्छी खबर है। ऐसे शिक्षकों की एक ही शहर में पोस्टिंग की जाएगी। शिक्षा विभाग के सचिन वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी तैयार की गई। इस रिपोर्ट को सप्ताह के भीतर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को सौंपी जाएगी, जिसके पश्चात रिपोर्ट शिक्षा मंत्री के पास जाएगी और इस पर मुहर लगेगी। राज्य में खेल मैदान के लिए 603 स्थान चिन्हित, 83 सिंचाई परियोजनाओं पर भी होगा काम। बिहार में मनरेगा की ओर से सभी प्रखंडों में कम एक खेल का मैदान बनाया जाएगा। इस कड़ी में खेल मैदान के लिए 603 स्थलों को चिन्हित कर लिया गया है। इसमें पहले फेज में 209 स्थलों पर काम शुरू किया जा रहा है। मनरेगा से राज्य मुख्यालय की ओर से ग्रामीण हाटों के निर्माण की संभावना तलाशने का परामर्श भी दिया गया था। अब तक राज्य भर के 23 ग्रामीण हाटों का निर्माण मनरेगा से करने का प्रस्ताव आया है। इस पर कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा मनरेगा की ओर से मुख्यमंत्री सिंचाई योजना से 168 सिंचाई परियोजनाओं का भी क्रियान्वयन किया जाएगा। इसमें 83 योजनाओं की स्वीकृति सरकार की ओर से दे दी गई है, जिनमें से 13 योजनाओं पर कार्य भी शुरू कर दिया गया है।
मिट्टी को बचाने के लिए साइकिल से घूम घूम कर अभियान चलाने वाले मोहित पहुंचे बिहार। यूपी के रहने वाले मोहित निरंजन मिट्टी की पोषकता बचाने के लिए सेव सोइल की मुहिम लेकर साइकिल से भारत भ्रमण यात्रा पर निकले हुए हैं। साइकिल से भारत भ्रमण के दौरान वे बिहार पहुंचे। इन्होंने यह यात्रा यूपी के ललितपुर से होते हुए एमपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और सिलीगुड़ी होते हुए बिहार में किशनगंज के रास्ते पटना आए। इनकी यात्रा 16 नवम्बर 2022 से शुरू हुई है। इस यात्रा के जरिए वे लोगों के बीच घूम घूम कर मिट्टी की पोषकता बचाने की अपील कर रहे हैं। इन्होंने यह अभियान सद्गुरु के ईसा फाउंडेशन की मुहिम से शुरू किया है। दूसरे राज्यों से शराब तस्करी करने में फेल धंधेबाजों ने शराब बनाने का खोजा नया पैतरा। सख्त प्रशस्त और पुलिस के लगातार चलाए जा रहे अभियान के बाद बिहार में दूसरे राज्य से शराब मंगवाना अब थोड़ा मुश्किल होता नजर आ रहा है। ऐसे में अब शराब तस्करों ने नया रास्ता ढूंढ निकाला है। ये धंधेबाज अब स्प्रिट मंगवा कर नकली शराब बना रहे हैं। पैकिंग के लिए कोलकाता से ब्रांडेड शराब कंपनियों की बोतल, रैपर, QR कोड, ढक्कन समेत अन्य चीजें मंगवाने के साथ ही किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के GST नंबर पर स्प्रिट भी मंगवा रहे हैं। स्प्रिट से शराब बनाने का यह धंधा पटना, वैशाली और समेत और भी कई अन्य जिलों में चल रहा है। इसका पता तब चला जब ट्रांसपोर्ट कंपनियों के गोदामों में मध्य निषेध की टीम ने छापा मारा। करीब 15,000 लीटर स्प्रिट बीते 6 महीने में बरामद किए जा चुके हैं। इस स्प्रिट से करीब 1,20,000 लीटर अब बनाए जाने की तैयारी थी। बिहार के कई इलाकों में पाकिस्तान से जुड़ा साइबर फ्रॉड मामला आया सामने। बिहार के कई इलाकों में पाकिस्तान से जुड़ा साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। दैनिक भास्कर के एक इन्वेस्टिगेशन टीम में यह बात सामने आई कि साइबर ठगी के पैसों को नेपाल के रास्ते और क्रिप्टो में बदलकर पाकिस्तान भेजा जाता है। इसमें कई रोजगार की तलाश में रहे युवा यह काम करते पाए गए हैं। इनकी उम्र सभी की 16 से 35 वर्ष के बीच में है। कई लड़कियां भी इस तरह के ठगी में शामिल हैं। 2 दिवसीय पेल्विक फ्लोर रिहैब वर्कशॉप का समापन। पेल्विक फ्लोर हैंड्स ऑन वर्कशॉप कार्यशाला का आयोजन एंड्यूरिंग रिहैब क्लिनिक के संस्थापक डॉक्टर सूर्य शंकर कुमार फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा 13 और जुलाई को पटना के होटल सिद्ध वेदांता में आयोजित किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट संसाधन व्यक्ति डॉक्टर सुनीता पटेल फिजियोथेरेपिस्ट ने महिला फिजियोथेरेपिस्ट को कई विषयों पर प्रशिक्षण दी। बिना ऑपरेशन कम खर्च में फिजियोथेरेपी के द्वारा महिलाओं में होने वाली तरह तरह की समस्याएं को पेल्विक रिहैब थेरेपी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसमें ऑपरेशन के बाद की समस्याएं, पेल्विक ऑर्गन्स और पेल्विक फ्लोर मसल्स की शारीरिक रचना, फिजियोलॉजी, कार्य और शिथिलता, श्वास और PFM के बारे में जागरूकता आदि बताए गए। UIPOP, बवासीर, योनि शिथिलता, पेल्विक दर्द, महिला यौन दर्द और वेजिनिस्मस, डिस्पेरियोनिया, कम संवेदना और कई अन्य स्थितियों की विस्तृत समझ और अन्य कई चीजों के बारे में खुलकर बताया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुषमा पांडे, डॉक्टर अभय जायसवाल, डॉक्टर प्रभात रंजन, डॉक्टर रीना श्रीवास्तव, डॉक्टर सुजीत, डॉक्टर अविनाश भारती, डॉक्टर जोशिनी पांडे, डॉक्टर राजेश सुमन, डॉक्टर हेमंडू सिंह, डॉक्टर प्रणव आदि मौजूद थे। रुपौली उपचुनाव में जीत के बाद निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह का बयान। रुपौली उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की जीत हुई है। जदयू और राजद दोनों के प्रत्याशी को इस दौरान करारी हार मिली। अब इस जीत के बाद शंकर सिंह ने कहा है, मुझे जनता का आशीर्वाद मिला है और मैं अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित करता हूँ। जब तक मैं जीवित रहूंगा, एक सच्चे जनसेवक के रूप में जनता के सुख दुख में उनकी सेवा करता रहूंगा। उन्होंने आगे कहा कि वे 30 सालों से जनता के बीच राजनीति नहीं उनकी सेवा कर रहे हैं। मैं राजनीति नहीं सेवा करता हूँ। मैंने कभी जाति की राजनीति नहीं की, जमात की राजनीति नहीं की। मुझे जीत को लेकर पूरा विश्वास था। 6 चक्र तक की मतगणना में भले पीछे थे, लेकिन मैं जानता था कि मेरी जीत होगी। RLJP के पटना कार्यालय के आवंटन रद्द करने पर पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। पशुपतिनाथ पारस की रालोजपा के पटना स्थित कार्यालय परिसर के आवंटन रद्द करने व खाली करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मोहित कुमार शाह ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अधिवक्ता आशीष गिरी ने कोर्ट को बताया कि 27 जुलाई 2023 को कार्यालय के नवीनीकरण के लिए आवेदन पार्टी की ओर से दे दिया गया था। उसके बावजूद मनमाने तरीके से पार्टी कार्यालय का आवंटन भवन निर्माण विभाग द्वारा रद्द कर दिया गया। इस मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी।
रुपौली उपचुनाव में हार के बाद जदयू के राष्ट्रीय महासचिव ने कही ये बात। बीते दिन दिल्ली से जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा पटना पहुंचे। इस दौरान जदयू कार्यालय में उनका जोरदार अभिनंदन किया गया। पटना पहुंचते ही मनीष वर्मा ने रुपौली हार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है, मनोबल नहीं गिरना है, हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के विकास के लिए हर स्तर से काम किया है, सभी वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने काम किया, उनके काम पर ही हमें आगे बढ़ना है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर जीतन राम मांझी का बयान। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। एनडीए में अपनी अहम भूमिका निभा रहे जदयू भी केंद्र सरकार से लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहा है और चिराग पासवान भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इसके समर्थन में है। अब इसी बीच जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है। दरअसल विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करने वाले नेताओं को मांझी ने कहा है कि विशेष दर्जे की मांग करना पत्थर पर सिर पटकने जैसा है। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग बेमानी है। नीति आयोग ने साफ कर दिया है कि किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाए। ऐसे में बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग ठीक नहीं है। पाकिस्तान के साथ बर्मिंघम में हुए मुकाबले में भारत की हुई बड़ी जीत। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मुकाबला काफी रोमांचक होता है। फैंस भी दोनों टीमों के बीच के मुकाबले को देखना पसंद करते हैं। हालांकि अधिकतर समय भारतीय टीम ही मुकाबले में बाजी मारती नजर आती है। अब एक बार फिर से बर्मिंघम में हुए दोनों टीमों के बीच के मुकाबले में भारत ने जीत हासिल की है। यह मुकाबला वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स का फाइनल मुकाबला था। इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर मुकाबला अपने नाम किया। इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की जिसमें इसने 5 विकेट खोकर 156 रन बनाए। वहीं भारतीय टीम ने टारगेट 5 गेंद पहले 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। बिहार में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, जाने प्रदेश में क्या है पेट्रोल डीजल का रेट। आज 14 जुलाई को बिहार में पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल आया है। आज प्रदेश में पेट्रोल के दाम में 37 पैसे और डीजल की कीमत 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिसके अनुसार आज बिहार में पेट्रोल की कीमत 107.17 रुपये और डीजल का दाम 93.89 रुपये है। राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.18 रुपये और डीजल का दाम 92.04 रुपये है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 106.01 रुपये और डीजल 92.80। गया में पेट्रोल 106.55 रुपये और डीजल 93.32। दरभंगा में पेट्रोल 105.99 और डीजल 92.78 रुपये है, जबकि भागलपुर में पेट्रोल का दाम 106.58 और डीजल 93.33 रुपये है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, राजकिशोर महतो, गोनर शर्मा, रंजीत मिश्रा, सादुल्ला पालवी, रवि कुमार राम, विजेंद्र कुमार, बाबुल मरांडी, प्रेम कुमार पटेल, उमेश ऋषिदेव, मोहम्मद साकिर हुसैन, संध्या कुमारी, छोटू राजा, जितेंद्र कुमार सहनी, मोहम्मद असगर कमाल, रंजन कुमार यादव, रितु, वरुण कुमार, कपिल देव शाह, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, मोहम्मद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त सुविधा है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।